जय राम जी की आप तो यहाँ के जोधा है अंदर कर लीजिए चलो चलो जाओ घर चलो घर जाओ घर जाओ चलो ठीक है चलो जाओ घर नहीं आप बोल जैसा बोलो वैसे हमारी अगर हमारी कोई गलती तो माफ कर दीजिए अरे राज जमीन में गड़े हो बरसों से यहीं खड़े हो अरे बूंद बूंद टपकता है जल मेरे राजे नल और जो नल खोला तो पानी था नहीं क्योंकि दोपहर का वक्त था जब पानी नहीं निकला तो वो बोले अच्छा तुमसे क्या हमने नहाने के लिए मांगा था क्या अरे दो कुल्लू पानी में मुंह देखो लाल करके लड़के लोग थे ऐसा पानी नहीं दे सकते बंद हो गए अरे ऐसे तो हमको देख के अच्छे, अच्छे अच्छे बंद हो जाते तो तुम तो क्या हो चलो कोई बात नहीं तुम्हारी जिंदगी और हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं दुनिया तुमको कुत्ता बोलती है हमारी घरवाली हमको कुत्ता बोलती है ये है केके नायकर। ये काम क्या करते हैं ये तो आप जान ही गए होंगे लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि जबलपुर से आने वाले केके नायकर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन है लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स आपको देश के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन से मिलाने जा रहा है आज के डिजिटल दौर में बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियन भद्दी कॉमेडी करके नाम और दौलत कमा रहे हैं। लेकिन पिछले 60 सालों से केके नायकर अपनी साफ-सुथरी अप से लोगों को हंसा रहे हैं। के.के. नायकर की कॉमेडी की खास बात यही है कि वे हर किसी की भावना का पूरा ख्याल रखते हैं। उनकी परफॉर्मेंस एकदम पारिवारिक स्टाइल की होती है उनकी कॉमेडी के स्टाइल से भी आपको रूबरू करवाएंगे लेकिन पहले उनसे उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में जान लेते हैं मुझे पहचाने है, हो सकता है आप ना भी पहचाने मगर मैं अदना सा कलाकार हूँ एक इनकर् लोग मुझे कहते हैं और मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता आया हूँ और इंडिया में सबसे पहले ये स्टैंड अप मैंने शुरू किया उस समय स्टैंड अप कोई प्रोफेशनली करता नहीं था और आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं बस इतना ही है कि मैं बहुत पारिवारिक कार्यक्रम पेश करता हूँ मौलिक करता हूँ और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं करता जिसमें कि किसी बच्चे को भी ठेस लगे किसी माँ बहन को ठेस लगे ये मेरा उद्देश्य रहा है और आज भी मैं कम से कम साठ साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे करते करते आपको ये जानकर कर ताजुब होगा कि आज के दौर में जब स्टैंड अप कॉमेडियन एक शो का लाखों चार्ज करते हैं, वहीं जब के के नायकर ने मिमिक्री शुरू की तो आसपास की औरतें मात्र गुड़ और रोटी में उनसे पड़ोसन की नकल उतरवा लेती थी जिंदगी यही थी मेरी की बचपन से मुझे लोग छेड़ते थे और मुझसे नकल करवाते थे मुझे गॉड गिफ्ट है मेरे गले में कोई मेरा गुरु नहीं है मेरा गुरु भगवान है ईश्वर ही मेरा गुरु है मैंने किसी से ये विद्या सीखी नहीं है मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा बचपन ऐसा था उस वक्त भी अगर कोई पारखी होता तो मुझे मेरी कला को परख लेता औरतें मुझे लालच देती थीं कहीं गुड़ रोटी का कहीं बिस्किट का कहीं उस वक़्त जो ये खोंचे टाइप में लोग ले के केक वेक बेचते थे बिस्किट वगैरह तो वो दे दे के मुझे बुलाती थी और कहती थी कि बता फिर सुना हमको फिर हम तुमको गुड़ रोटी देंगे तो वो एक कॉस्मोपॉलिटन था हमारा स्टेट तो बहुत सी औरतें देख लेती थी सब इकट्ठी होके हमारा नाम लेके बुलाती कुछ बुंदेलखंड की थी कुछ यहाँ बघेलखंड की थी कुछ हमारे यूपी की बिहार के सभी लोग क्योंकि जिसे फैक्ट्री जबलपुर में है मैं वहाँ रहते थे हमारे फादर फैक्ट्री में थे तो वो उनको बुलाने पे मैं मना करता था, था। हम पतंग उड़ाने जाए यार अभी तो बेकार पतंग उड़ाना या किस न देखे थे फिर मना करी तो फिर ये जल्दी या, या, या थे का है? वो बता सरोज की अम्मा कैसे नल पे लड़ात रही है आया बता जल्दी अरे और देख हम गुड़ रोटी दिए फिर ये बताएगा तो हम हम भी तुम्हारे को खाने के लिए एक चॉकलेट देगा ये बताएगा ना तुम जल्दी बोल 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 हमारे को भी खूब ये अच्छा बता तू अच्छा वो बता ना और वो राजेश की अम्मा कैसे पूजा करने जाती है वो बता बता, बता। तो इस तरह की वो लोग हमसे छेड़छाड़ करते थी के के नायकर के लिए कॉमेडी उनके जीवन का एक अंश है वे एक बॉन्ड कॉमेडियन है मतलब कि उन्हें कॉमेडी का ये हुनर गॉड गिफ्ट है। लेकिन बावजूद इसके उनके साथ बचपन में एक ऐसी घटना घटी जब उन्होंने सोच लिया था कि वो अब कभी मंच पर कॉमेडी नहीं करेंगे धीरे धीरे आहिस्ता ये कला फिर एक दिन मंच पे आ गई जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहीं प्रोग्राम करने गया था अचानक उस प्रोग्राम में मैंने ऐसी औरतों की नकल की और नकल की तो उसमें एक हमारे जो मास्टर साहब थे प्राइमरी में मैं, मैं हायर सेकेंडरी करने के बाद उस स्कूल में फर्स्ट टाइम मैं मंच पे चढ़ा था तो उन्होंने उनके सामने जब मैं सुनाने लगा रेडियो पाकिस्तान में पहले कैसे खबरें आती थी ये रेडियो पाकिस्तान है पाकिस्तान से खबरें ला हो रही आपके यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने जो है दिखाया है उससे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मच गया मगर हिंदुस्तानी आज भी पीछे नहीं हट रहे हैं और हमें पीछे हटना पड़ रहा है तो ये इस तरह का सब पहले एक न्यूज़ का वो चैनल था उनका तो ये मिमिक्री करता रहा तो फिर एक घटना ऐसी घटी कि मैं कहा कि हमारे यहाँ एक सर्वेंट आती है उसका नाम हवाई जहाज़ था तो हवाई जहाज से हमारी माता जी ने कहा क्यों इतनी देर से आती तो जब देखो सब काम पड़ा रहता है तुम्हारे तो को मतलब कुछ, कुछ लगता ही नहीं है ना काम है तुम तो इतना हमेशा देर से आती हो तो वो बेचारी अपने बताने लगी मैं ये परफॉर्म कर रहा था उस दिन पहली बार स्टेज पे पहली बार स्टेज पे था मतलब मैं ज़िंदगी में नहीं भाई वो हमारी तबीयत खूब ख़राब हो गई थी खूब बुखार आ गया था तो डॉक्टर के पास रहे तो डॉक्टर ने इतनी बस इतना ही किया है हमारे ऐसे ढकेलते ढकेलते बाहर हमें भगा दिया बस उस दिन से जो है मैंने सोचा आप जिंदगी में कभी भैया मंच पे नहीं चढ़े इतनी बेइज्जती हो गई है आज के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे लेकिन इस घटना के बाद उनके जीवन ने नया टर्न लिया और वो बन गए देश के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन सरस्वती पूजा थी और उस सरस्वती पूजा में एक कर्नल साहब जो थे वो उस दिन जो पहले दिन में कार्यक्रम मैंने स्कूल में किया तो वहाँ वो चीफ गेस्ट थे तो उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा तो उस दिन उस दिन मैंने इंदिरा गांधी जी की भी बड़ी नकल की थी तो वो सब एक टाइम था चला गया तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे लोगों को भेज के अपने आर्मी के ऑफिसर को कि वो लड़के को ढूंढो और जब वो आए तो हम भागने लगे हमने कहा पुलिस आई मिलिट्री की पता नहीं कल हमसे क्या गलती हो गई बाद में पता लगा कि नहीं उनके सरस्वती पूजा में मेरा प्रोग्राम उनको बहुत पसंद आया तो नेक्स्ट डे जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक ही दिन में एक तख्त के ऊपर एक डंडा रख के और गिलास बांध के और मैंने बोलना शुरू किया अपने सब भाई बहनों को माँ को सबको बैठा के मेरे को दिल खोलना है और वहाँ ऐसा कार्यक्रम है मैंने जब बोलना शुरू किया तो बंगालियों का वो सरस्वती पूजा का कार्यक्रम था तो हम ऐसे बोलने में मस्त हुए उस दिन हमने फिल्मी कलाकारों से लेके और सब दुनिया के क्या क्या मैंने कर गया एक ही सांस में जो आज अमर हैं सारे प्रोग्राम तो वो पीछे से बंगाली फैमिली के जो लोग थे वो टोंच रहे थे हमको नायके शुभ इसके बाद में हमारे प्ले हाय थोड़ी जल्दी खड़म खत्म ख़तम करेगा ना तो हमारे प्ले शुरू होएगा ये चेष्टा करो तो हमने फिर एकदम एक्टरों की निकाल आवाज़ निकालने के लिए अशोक कुमार साहब की आई जैसे विश्वजीत की तो मैंने कहा अरे मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी इस तरह की हादसे नहीं हुए आज मैंने पहली बार देखा है कि इस घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी ने कोई दखल नहीं दिया ऐसे करके कुछ ऐसी ऐसी आवाजें निकाल दी तो वहाँ से फिर दूसरी तरफ से आवाज आई नहीं आप कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो आपका बहुत अच्छा हाँ, एकदम आप ए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा पूरा करिएगा पूरा करिएगा ये उस दिन के बाद से कर, सरस्वती जी का आशीर्वाद पाए तो बढ़ते गए आज तक पलट के नहीं देखा है अब आपको लंबा इंतजार नहीं करवाएंगे तो पेश है देश के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन के, -के नायकर की हास्य व्यंग्य से भरी कॉमेडी भारत में एक ऐसा त्यौहार आता है जिस दिन उस त्योहार के दिन मतलब हम लोग जो है पूरा भारत जो है ना जहाँ पर ये त्यौहार मनाते हैं वो मस्त हो जाता है और सब कुछ छूट होती है उस त्यौहार में उसको हम लोग कहते हैं होली और होली में ज़्यादातर हमारे जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ वहाँ पे जो लोग शराब पी लेते हैं तो पुलिस वालों की तरफ से उनको छूट होती है कि त्यौहार है जान दो घर जान दे इसको और उस वक्त मैंने कई दफ़ा देखा है कि कुछ लोग इतना होली के पहले से ही शुरू हो जाता है कुछ तो रंगों की तैयारी कुछ करते हैं कुछ रंगदारों की तैयारी हो जाती है और कुछ तो अपने में मस्त हो जाते हैं और ऐसे वक्त पे हमने देखा है कि लोग अगर थोड़ी सी पी ली उनने तो वो ये समझ लीजिए कि उनको कोई रोकने वाला नहीं टोकने वाला नहीं ना उनको किसी का डर होता है तो हमने उन दिनों देखा है एक साहब अच्छे टाइट होके आ रहे थे और पुलिस चौकी के सामने से निकले और चौकी के सामने से निकले और पुलिस वाला था एक खड़ा था इंस्पेक्टर खड़ा था जयराम जी की आप तो यहाँ के जोधाएँ अंदर कर लीजिए चलो चलो जाओ घर चलो घर जाओ घर जाओ चलो ठीक है चलो जाओ घर नहीं, आप बोल जैसा बोलो वैसे हमारी अगर हमारी कोई गलती तो माफ कर घर जाओ चलो जाओ चलो जाओ घर चलो बच्चे लोग तुम्हारा इंजा करे जाओ अच्छा हम चलते थोड़ी दूर गए फिर लौट के आए अच्छा बताओ कितने बजे आऊ आप अंदर कर लो अरे तुम चलो जाओ घर बोला ना तुमको जी जो आप आप तो जोधा हो जैसा हुए वैसे फिर थोड़ी दूर गए तो स्कूल के बच्चे छूटे दोपहर तो बच्चों ने उनके और गुलाल, गुलाल में बच्चों ने ऐह ए, अभी ए, होली कल है तुम्हें परसों अब तुम अब हम घर आ गए तुम्हें जद्दा को भी देख ले हम बताए भी तुमको अरे पोत गए तब उस हालत में उन्होंने कहा अब तो ये पुत गया है तो अब करें क्या तो उनको एक नल दिख गया सरकारी अब वो नल के पास पहुंचे और नल ही से बात कर रहे हैं अरे राजे नल जमीन में गड़े हो बरसों से यहीं खड़े हो अरे बूंद बूंद टपकता है जल मेरे राजे नल और जो नल खोला तो पानी था नहीं क्योंकि दोपहर का वक्त था जब पानी नहीं निकला तो बोले अच्छा तुमसे क्या हमने नहाने के लिए मांगा था क्या अरे जो कुल्लू पानी में मुंह देखो लाल करके के लड़के लोग थे ऐसा पानी नहीं दे सकते बंद हो गए अरे ऐसे तो हमको देख के अच्छे अच्छे बंद हो जाते तो तुम क्या हो चलो कोई बात नहीं और थोड़ा आगे बढ़े तो उनके सामने वो मंगोड़ी भजिए का ठेला एक उनको दिख गया जैसे ही भजिए मंगोड़े का ठेला दिखा तो उसी से बोलने लगे ए मंगोड़ा कैसे क्यों अरे बोले यार चलो जा अपना काम करो तुम अभी दुकानदारी करी नहीं और चले मंगोड़ा कैसे लो तुम क्या सोच रहे तुमको कुछ तुम हमको कुछ ऐसा समझ रहे हो क्या बता कैसे किलो तू मुंगड़ा बेचता रहा तू भजीजा बता अच्छा अरे बोले तुम चलो तो तुम तो दो चार ग्राहक बोले दे दे यार जो मांगता है नहीं तू क्या सोच रहे कि तू मतलब कोई अकीर फकीर से पाला पड़ा थे हैं मेरे जैसा रही थे दुकान में कभी आएगा नहीं बता कैसे किलो अस्सी रुपये किलो बोलो अस्सी रुपये किलो तो, तो अस्सी रुपये किलो में तू क्या समझते कि हमारे पक् मतलब जी दो रुपये की भजिया जो उसने दो रुपये की भजिया दे दी उनको एक दोने में वो लेके जरा सा आगे बढ़े आगे बढ़े ही थे कि उनको एक कुत्ता दिखा तो कुत्ते के सामने खड़े हो गए हम जानते हैं भैया तुम्हारी जिंदगी तुम मेरे भाई हो तुम्हारी जिंदगी और हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं दुनिया तुमको कुत्ता बोलती है हमारी घरवाली हमको कुत्ता बोलती है समझे हम बड़े भाई हैं तुमको चिंता नहीं करना जब तक हम तुम भूखे नहीं रहोगे उसके सामने एक भजिया उन्होंने ऐसे फेंकी तो कुत्ते ने लपक <laughs> आराम से बड़ा भाई है ना तो बिल्कुल पेट भर के खा तुम उसके सामने बैठ गए बैठ गए और किसी दोस्त ने उनको आवाज़ दी कहा छकोड़ी कौन ऐसे घूमे थे कि कुत्ते के सामने वो दो ना चला गया कुत्ते ने भक्से मुंह मारा उसमें जैसे ही कुत्ते ने दोने मुंह मारा उठ के खड़े हो गए सही साले तुम कुत्ते ही हो तुमको सब बड़ा भाई तुमको खिलाया से तुमने को दिखा दी कुत्ते ही रहोगे तुम, फिर किसी पुलिस वाले ने कहा चलो चलो जाओ घर चाल चलो चलो गो भैया भैया देखो हमारा हाँ तुम्हारा तो भैया जाओ चलो जाओ जाओ जैसे उन दिनों वो शराब पी के जब आदमी घर जाता है तो आप देखिए ठंड के दिन है उसको वाइफ भी परेशान बच्चे भी परेशान हैं मगर पत्नी पत्नी होती है वो कितना भी शराबी कबाबी हो आदमी उसके दिल में उदारता आती है अपने हस्बैंड के प्रति हमारा कल्चर है तो अंदर बाहर से खटखटा रहे हैं गुड्डू एक गुड्डू दरवाजा खोल बेटा पापा आए दरवाजा दरवाजे खो अंदर से और अच्छी लगे गुड्डू तुमने दरवाजा खोला हम बता दे तुम्हें हम मुँह फोट डाले तो हमको खोल के देखो तो हम बता हम दे तो बिल्कुल हम अच्छा मरन दे रहे ठंडी में है ना आज भी यहाँ से बस बस पी पी के चले जा रहे होते तो घर में मतलब तमाशा अरे गुस्सा क्यों आज हमने दारू थोड़ी पी उड्ढू तुमने खोला तो हम बता दे रहे तुमको नहीं बाप नहीं खोला मम्मी मना कर मम्मी मैं माँ अरे नहीं बेटा खोल दो अंदर तो माँ हम बताए तुम अंदर घुसो तो हम बताए तुम्हें थोड़ी देर में फिर बोलता है भारत अरे गुड्डू बेटा बहुत ठंडी लग रही यार खोल दे बेटा पत्नी को फिर दया आई कि ठंड में मर रहा है खोलो जल्दी खोल दे खोल दे खोल दे अब देखो खोल दिए गुड्डू तुमने उन्हें नहीं बना बैठे रहने दो अंदर तुम घुसे तो हमने बता तुम्हें अच्छे से बता दिया हमने अंदर तुम घुसे हम बता फिर तुम्हें वहीं रख अरे भूख लगी कुछ खाने को दे दे यार पत्नी उनके सामने रोटी रख देती है वहीं वो खाते हैं खाते क्या हैं आधी रोटी खाते हैं और लुढ़क जाते हैं इस पे से मुझे एक शेर याद आ रहा है कि किसी महिला ने किसी ऐसे सज्जन को जिस मोहल्ले में वो थे तो उनसे ए, एक शेख साहब थे उनकी बहुत लोग मानते थे तो उनसे कहा कि देखिए इस तरह से करते हैं पी पी के आते हैं बर्बाद किए जा रहे हैं जीना हराम है बच्चों का वो सब कुछ बर्बाद है आप समझाइए तो शेख साहब ने पूछा कहाँ गए होंगे और कहां जाएंगे मैं खाने के अलावा और कहीं जाएंगे तो शेख साहब भी गए मखाने तो जैसे ही शेख खाने गए तो वहाँ पर उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की तो किसी ने लिखा बहुत अच्छा है कि मैं कदे में मैं कशों को शेख समझाने गए जब थोड़ी देर बाद निकले बड़ी मुश्किल से पहचाने गए देश के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन के के नायकर आज के कॉमेडियन के लिए एक मिसाल है जो आज के कॉमेडियन से अपील करते हैं कि हास्य में मौलिकता को प्रधानता दें और फुहरता से दूर रहें बस मैं सबको यही कहता हूँ आर्टिस्टों की मौलिक रहें और जहाँ तक वो अश्लीलता से दूर रहें क्योंकि अश्लीलता का अर्थ मेरी नज़र में सिर्फ इतना है कि खूबसूरत बुलबुला है वो और थोड़ी देर की उसकी ज़िंदगी होती है फूट गया तो गया मगर मैं कहता हूं कि इस एक पोखर में कोई एक पत्थर फेंके तो उसकी लहर जब तक किनारा नहीं छू लेती तब तक चैन नहीं पाती ऐसा हास्य उत्पन्न करे आज की भागती दौड़ती और तनाव भरी जिंदगी में इंसान को अगर कॉमेडी का सहारा मिल जाए तो उसको तनाव से थोड़ी राहत मिलती है लेकिन सिर्फ टीआरपी या पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कॉमेडी में अश्लीलता और फुहरता परोसी जाए तो हो सकता है कि आपको क्षणिक खुशी जरूर मिले लेकिन समाज को होने वाला नुकसान काफी दूरगामी होता है